हेलो, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कार और समय की बेहतरीन ट्रिक जो आपके एग्जाम को पास कराने में बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। तो आइए चलते देखते हैं कार और समय की वो ट्रिक कौन सी है जिससे आप कोई भी सवाल सेकंडों से पहले सॉल्व कर सकते हैं। इस ट्रिक को आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं और इस तरह के कई क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हमें यह लंबा लगने की वजह से हम इस क्वेश्चन को छोड़ आते हैं। तो आइए देखते हैं यह प्रश्न कैसे होगा। इसमें कहा गया है कि छह यदि पुरुष या आठ महिलाएं, छह पुरुष आठ महिलाएं किसी खेत को 86 दिनों में काट सकते हैं, तो 14 पुरुष और 10 महिलाएं कितने दिन में काटेंगे। इस सवाल में कहा गया है कि यदि 6 मैन और 8 वुमेन कैन कट अ क्रॉप इन 86 डेज, देन इन हाउ मैनी डेज 14 मैन एंड 20 वुमेन कट द क्रॉप। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन एंड वी कैन डू दिस बाई ट्रिक। अवर ट्रिक इज दैट फर्स्ट वी हैव टू राइट वन वन अपॉन वन, वन को हमेशा हम इसमें लेंगे फॉर्मूले में, वन अपॉन ये कितने लोगों की पूछी गई है, कितने लोगों की पूछी गई है उसे लिखेंगे, 14 और 10, 14 एवं 10 प्लस 14 और 10 दोनों मिलकर, तो एक 14 मिलकर 14 बट्टे 6 गुणा, क्योंकि 6 पुरुष 6 गुणा 86 दिन, प्लस ये इसे लिखती हैं 10 महिलाएं अपॉन कितनी महिलाएं थी पहले, 8 गुणा 86 दिन। बस आपको ये याद रखना है कि जिनकी पूछता है उनके अपॉन में, जैसे 14 पुरुष हैं तो 14 पुरुष अपॉन 6 पुरुष गुणा 86 प्लस 10 महिलाएं 8 गुणा 86, क्योंकि यहाँ 8 महिलाएं हैं 86 दिन में कर रही हैं, तो 8 गुणा 86 से भाग दे देंगे। बहुत ही इजी था। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, हमारा एलसीएम कुछ इस प्रकार से आएगा 8 गुणा 6 गुणा 86, ये हमारा एलसीएम आएगा। तो हम 6 गुणा 86 का जिसमें डिवाइड करेंगे तो 8 बचा, तो 8 गुणा 14 हो जाएगा और 6 गुणा 10 में हो जाएगा, और ये हमारी संख्या वो ऊपर पहुंच जाएगी, ऊपर पहुंच जाएगी। तो हमारा सवाल कुछ इस तरीके का आ जाएगा, इसमें एलसीएम आ जाएगा, 86 2 बार है तो एक बार ऊपर पहुंचेगी, 6 गुणा 8 हो जाएगा, अपॉन में 14 गुणा 8 प्लस 10 गुणा 6 हो जाएगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप इसे इनको गुणा कर लीजिए, आप इनको गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे हम 14 का 8 में और 10 का 6 में, और गुणा करने के बाद जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद आप इसे काट कर सॉल्व करके अपने तरीके से इसका आंसर आ जाएगा 24 दिन, 24 दिन। ये बहुत ही इजी मेथड है, इससे इजी मेथड नहीं होगा, वरना ये सवाल बहुत टफ हो सकता है। आपको बहुत ही बस ये आसानी से याद रखना है कि कितने कितनों का पूछा है 14 और 10 महिलाओं का, तो 14 बट्टे पहले 6 पुरुष थे, कितने दिनों करें 86, उसका भाग देना है 6 गुणा 86 का, प्लस 10 अपॉन 8 गुणा 86 का भाग देना है। अब ये सवाल बहुत ही आसान हो गया है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए चले इसी प्रकार का दूसरा सवाल देखते हैं। यदि 12 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 22 दिनों में करते हैं, तो 7 पुरुष एवं 5 महिलाएं मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ये सवाल बहुत ही आसान है, इस सवाल को चुटकियों में हल किया जा सकता है बिना किसी समय लिए। तो देखिए वही करना है हमें, कितने का पूछा, 7 पुरुष और 5 महिलाएं। इसमें कहा गया है इफ 12 मैन और 15 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 22 डेज, देन हाउ मच एनी डेज विल 7 मैन एंड 5 वुमेन विल डू दिस वर्क कंप्लीटली। तो इस सवाल को करना बहुत ही आसान है। पहले एक को ऊपर लिखेंगे हम फॉर्मूले में, कितने का पूछा, 7 पुरुष, तो 7 गुणा पहले 12 पुरुष थे, कितने दिनों में करें 22 का, इसमें डिवाइड कर देंगे, 5 महिलाएं 5 का, और 15 गुणा 22, पहले 15 महिलाएं थी 22 दिनों में कर रही, तो 15 गुणा 22 कर देंगे। अब इसमें एलसीएम उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे, 12 22 2 बार है तो एक बार ली जाएगी, 12 गुणा 15 इसमें यहाँ ले लिया हमने, ये लिख दिया ऊपर चला जाएगा, 7 गुणा 15 और 12 गुणा 15, ये 15 का इसमें गुणा हो जाएगा और 12 गुणा इसमें हो जाएगा,
जब हम इसे अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर भी हम 24 दिन प्राप्त करेंगे, 24 दिन प्राप्त करेंगे, 24 दिन प्राप्त कर लेंगे और आपका आंसर आसानी से हल हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न है, इफ 10 मैन और 12 वुमेन कैन डू अ वर्क इन 10 डेज, देन हाउ मेनी डेज 12 मैन एंड 6 वुमेन विल डू द वर्क कम्प्लीटली। इसको आप स्वयं हल करके देखिए, पहले मुझे आंसर बताइए अपना, कमेंट करके जल्दी जल्दी आंसर बोलिए, इस सवाल में आंसर आप बोल सकते हैं जल्दी से। तो देखते हैं चलो क्या होता है हमारा, ये सवाल कैसे आएगा, हल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपॉन ऊपर 1 लिखेंगे, 15 15 मैन एंड 6 वुमेन, एंड लग रहा है यहाँ, और यहाँ देखिए और होता है, यहाँ एंड होता है। तो 15 अपॉन, पहले 10 थे, 10 डेज में कर रहे थे, तो 10 × 10 प्लस 6 महिलाएं हैं, 6 अपॉन के पहले कितनी थी, 12 एंड 10 डेज, 12 × 10, बहुत ही आसान ही से हो रहा है सवाल हमारा। इसका एलसीएम आ जाएगा इस 1 अपॉन 10 × 12 × 10, क्योंकि 12 हमारी 2 बार है, नहीं 10 हमारी 2 बार है, तो हमने 10 को 1 बार लिख लिया, 10 × 12 × 10, जी वाली 10। एलसीएम लेंगे तो हमारा इसमें 12 का इंटू, तो इसमें हो जाएगा 15 में 15 × 12 प्लस, और ये 12, ये 10 का इंटू, इसमें हो जाएगा 6 × 10। तब हम इसे सॉल्व करेंगे, इस पे दोबारा से देखते हैं, ये 1 अपॉन, ये 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 × 10 प्लस 6 अपॉन 12 × 10। वही तरीका करना है हमें, इसमें से 10 कॉमन है, एक बार लिखेंगे, इंटू 10 और इंटू 12, कुछ नहीं करना है आपको, बहुत ही आसानी से हो रहा है, 15 × 12 प्लस 10 × 10 हो जाएगा, 15 × 12 12 का इसमें हो जाएगा, 10 का इसमें 6 हो जाएगा, 10 का इसमें 6 हो जाएगा, 6 × 10। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसमें से 5 कॉमन आ जाएगा नीचे से, जब हम 5 कॉमन ले लेंगे, 5 इससे 2 बार कट जाएगा, यहाँ बचेगा 3 × 2 बचा। और हम सॉल्व करेंगे इसको पूरे को, आप सॉल्व कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ये नया चैनल है और आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस चैनल पर सिर्फ आपको वही सवाल मिलेंगे जीके के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, मैथ के, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।